बताया कि अहमदाबाद से वो ये रोड शो जो है जिस समय प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं, ये आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री की। कल 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद आज अहमदाबाद में पहुंचे हुए प्रधानमंत्री और महापंचायत जो सम्मेलन होने वाला है उसमें मुखातिब होंगे। तो तमाम 1.5 लाख जनप्रतिनिधि हैं उनसे मुखातिब होंगे प्रधानमंत्री। और इस रोड शो के जरिए किस तरह से हम आप देखेंगे कि अभी ये रोड शो शुरू होने वाला है। और सबसे अहम बात ये हम जानते हैं कि इस साल के अंत में 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए हैं और बीजेपी को 4 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल हुई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में 5 साल सत्ता में रहने के बाद प्रचंड बहुमत के साथ वापसी हुई है। निश्चित तौर पर उसके ठीक एक दिन बाद गुजरात पहुंचना और पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन को संबोधित करने का कार्यक्रम ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री लगातार काम करते हैं। प्रधानमंत्री का जो संवाद का जो एक तरीका है वो चाहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ हो या फिर स्थानीय निकायों के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ हो या जनता के साथ हो, लगातार वो संवाद स्थापित करते रहते हैं, फीडबैक लेते रहते हैं। तीसरी बात, आप जो भव्य तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से एक भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात में हो रहा है, ये दिखाता है कि गुजरात के लोग अपने प्रिय प्रधानमंत्री को कितना प्यार करते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता हम देख रहे हैं कि सुबह से ही वहाँ उत्साह में है और प्रधानमंत्री लगातार ग्रास रूट डेमोक्रेसी एक तरह से देखें किस तरह से पंचायत स्तर पर सीधी एक मजबूती मिले और पंचायतों के जरिए गांव के विकास पर काम किया जाए, इतना पैसा दिया जा रहा है और हम ग्रामीण विकास की एक नई तस्वीर नया इतिहास लिखते हुए देख रहे हैं। देश के दूरदराज इलाकों में, समृद्ध राज्यों में, विकसित होते हुए राज्यों में, तो निश्चित तौर पर ऐसे हम देखते हैं कि पंचायत जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तमाम कल्याणकारी काम किए गए, लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया गया, लेकिन जनता के बीच एक शायद ये दिक्कत थी कि वो अपने प्रिय प्रधानमंत्री को काफी नजदीक से देखने का उस तरह से मौका नहीं मिलता था क्योंकि कोरोना की अपनी पाबंदियां थी। और अब हम जब देख रहे हैं कि कोरोना से जो भारत है वो सफलतापूर्वक निपटने की ओर कामयाब होता नजर आ रहा है और दुनिया देख रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जिसमें 4 में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की और कहीं ना कहीं ऐसे कई मिथक तोड़े हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें जहां से आप भी मौजूद थे, आपने भी चुनावी रिपोर्टिंग की है, तो कहीं ना कहीं उस जीत का मंत्र जो है वो गुजरात की जनता के लिए, विधानसभा चुनाव है साल के आखिर में। बिल्कुल उसी बात का मैं जिक्र कर रहा था कि अब गुजरात में विधानसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है और ये जो उत्साह दिखाई देता है जनता के बीच और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच ठीक एक दिन चुनावी जीत के बाद, और दरअसल जो एक भरोसा बढ़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत पर, भारत की शक्ति पर, आज हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन गंगा में हम कैसे यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने में कामयाब हो रहे हैं और दुनिया देख रही है कि भारत के लिए हर एक भारतीय महत्वपूर्ण है जो देश और दुनिया में कहीं भी संकट में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बार बार हम होता हुआ देख रहे हैं कि ऐसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित कराई गई है, हर संभव मदद दी गई है। तो निश्चित तौर पर केवल चुनावी जीत ही नहीं, हमें देख रहे हैं कि भारत आज एक आकांक्षी भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है, भारत जो आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों, उनकी दूरदृष्टि से भारत का हर एक युवा अपने योगदान को बेहतर से बेहतर करके देश के योगदान में अपना योगदान रखना चाहता है। तो निश्चित तौर पर उस की एक अभिव्यक्ति हम होता हुआ देखते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर जा रहा है, जिसके साथ होता है राजनीतिक दल, वही राजनीतिक दल मजबूत होता है जिसके साथ युवा होते हैं, उसी को सत्ता मिलती है। लेकिन युवाओं के जो मूल मुद्दे थे, जो मूलभूत जरूरतें थी, वो कैसे पूरी हो, उस पर बहुत कम चर्चा होती थी। यानी युवाओं का इस्तेमाल राजनीतिक दल करते थे, सत्ता में आने के बाद नेता करते थे, लेकिन युवाओं की समस्याओं को दूर करने का काम हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पूरे देश में, किस तरह से युवाओं को अधिक से अधिक अवसर देना हो, चाहे किस तरह से आत्मनिर्भर भारत में उनकी भूमिका को मजबूत करना हो, तमाम प्रोत्साहन योजनाओं के जरिए, बैंकिंग योजनाओं के जरिए किस तरह से उनको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में जो बॉटम ऑफ पिरामिड जिसे कहते हैं समाज के पायदान के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति, पंडित